मॉर्निंग, कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि आज है ब्लड डोनेशन, मुरली जी का आज बर्थडे है। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे, तो उनका बर्थडे है, तो आज एक कैंप लगा है ब्लड डोनेशन का, तो वो जीएमसी में है, गांधीनगर में है, सारे हॉस्पिटल्स में। तो आज हम उधर ही जा रहे हैं, देखता हूँ, मैंने टैटू तो बनाया है, देखते हैं अगर बोलेंगे तो मैं ब्लड डोनेट कर लूँगा। देखते हैं कितना टाइम हुआ है, कितने टाइम के बाद टैटू है, कितने टाइम बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, मैं पूरा वहाँ पर देखता हूँ उस हिसाब से। आज ब्लड डोनेट भी होगा, मेरे साथ सजा के रेवाड़ा है, तो वहाँ पर अभी मोहित भैया जो हैं वो रुक रहे हैं जीएमसी के पास, तो अभी वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है। तो उसके बाद फिर सारे यार दोस्त आएंगे आज हमारे सारे, वो आज मतलब ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करोगे तो न्यू जनरेशन होगी खून की, तो आपकी बॉडी के लिए सही रहेगा, आपकी स्किन के लिए सही रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत सही रहेगा, तो ब्लड डोनेशन करनी चाहिए। तो चलो देखते हैं अब क्या सीन बनता है वहाँ, उस हिसाब से मिलते हैं आपसे। जल्दी जल्दी पहुंचो यार, जल्दी पहुंचो। आज 17 सितंबर का दिन है और 17 सितंबर का दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्म दिवस के तौर पर भी इसको मनाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिन 17 सितंबर को आता है, और आज 17 सितंबर के दिन लाखों करोड़ों युवा देश भर में आज रक्तदान कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए माँ भगवती वैष्णो देवी जी से और भगवान महादेव जी से प्रार्थना करते हैं। मोदी साहब केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के आज सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और मोदी साहब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं। मोदी साहब ने जिस प्रकार पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, मोदी साहब की मेहनत के बल पर आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है, सारी दुनिया झुककर आज भारत को सलाम करती है, तो मोदी साहब के कारण है। और मोदी साहब ने जिस प्रकार 135 करोड़ देशवासियों की चिंता की है, 135 करोड़ देशवासियों के सेवादार बनकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कार्य किया है, ये लोगों के दिल में मोदी साहब के प्रति प्यार ने बड़ा कार्यक्रम चलाया है, जिसमें कि हर एक हॉस्पिटल में हर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और आप यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ पे काफी युवा आज यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आए हैं, ताकि ये ब्लड डोनेशन जो लोगों के काम आए। जैसे कि आज का मैं आपको प्रोग्राम बताता हूँ, आज है मोदी जी का बर्थडे, तो उसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है, रक्तदान करना है, तो आज हमने उसमें भी हिस्सा लिया है, तो आज हम सारे आए हैं, जो भी आपने सब कुछ देखा वहाँ पर ब्लड डोनेशन हो रही है प्रधानमंत्री जी के बर्थडे के लिए, एक ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आज से शुरुआत, आज जो सेवा पखवाड़ा
माननीय मोदी जी के जन्म दिवस के उत्सव पर उनके जन्मोत्सव को मनाने का एक प्रक्रिया है। सेवा को समर्पित उनका पूरा जीवन, जिस तरीके से उन्होंने आज तक सेवा भाव से जीवन जिया है और 135 करोड़ लोगों की सेवा में तत्पर है उनका जीवन, उससे प्रेरित होकर के नौजवानों ने संकल्प लिया है और युवा मोर्चा उसका नेतृत्व कर रहा है। लाखों की तादाद के अंदर पूरे देश भर में आज नौजवान हर ब्लड बैंक के अंदर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। युवा मोर्चा ने भी जम्मू कश्मीर के 24 के 24 ब्लड बैंक्स के अंदर 10,000 से अधिक ब्लड डोनेशन का संकल्प लिया है और आप देखिए कि कितना जोश और एक प्रेरणा लेकर के मोदी जी के जीवन से नौजवान ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हर ब्लड बैंक के अंदर ये डोनेशन चल रही है और आज के दिन हम सभी सेवा गतिविधियों करते हुए माननीय मोदी जी के जीवन को और उत्तम स्वास्थ्य और उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं और नौजवान संकल्प लेते हैं कि नव भारत निर्माण में जिस तरीके से मोदी जी अपने जीवन में कार्य करते करते इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम भी अपने जीवन में जो भी कार्य करेंगे देश को आगे लेकर के जाने के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर मोहित भी अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अभी ब्लड वगैरह सब कुछ डोनेट कर दिया तो अभी हम फाइनली बैठे हैं कहाँ, कैफेटेरिया में। मेरे साथ है सज्जक, रितेश और श्रुति। इसको मैं दिखाओ, बहन है हमारी, वैसी बात नहीं है, हमारी सिस्टर है। तो अभी खाना शाना खाते हैं फिर निकलते हैं घर, देखते हैं क्या प्रॉब्लम। खाना तो लाओ, खाएंगे क्या, आ रहे आ रहे, टिफिन आ रहे अभी भाई, खाना खिलाओ। चलो अभी फाइनली हम जा रहे हैं घर, हमारा टिफिन आया था, खाया, सब कुछ हमने कर दिया, डन हो गया। तो अब निकल रहे हैं घर और ऐसे इवेंट्स बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए, बहुत ही अच्छे इवेंट्स इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए ब्लड डोनेशन के, और भी होने चाहिए काफ़ी सारे। और मैं तो बोलता हूँ कि कैंसर पेशेंट्स के लिए अगर है डोनेशन हो तो मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलो निकलते हैं अब घर। क्या आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब करो ज़रूर और लाइक करिए ज़रूर। चलो ठीक है, बाय बाय, लव यू।